वेलकम टू अकरम डेयरी फार्म चैनल। हमें आज शादनगर पर और डायरेक्टली आप लोगों को लॉट्स वगैरह बतलाने के लिए मैं यहाँ पर हूँ। आज बहुत बड़ा लॉट है, स्पेशली माचल्ला का बहुत ज़्यादा कलेक्शन है इसके अंदर। आप लोग जैसे देख रहे हैं यहाँ पर बहुत सारे कलर्स है और एक फार्म पर है। मैं सारी डिटेल्स यहाँ के ओनर से बात करूँगा, अथर भाई है हमारे यहाँ पर, उनसे सारी डिटेल लेंगे। आप देखिए कलरफुल है इसके अंदर मैक्सिमम जो माशाल्लाह का कलेक्शन होता, और माशाल्लाह के जो बकरे हैं उसके ब्रीड के हिसाब से रेट भी बहुत कम रहेगा। हैवी वेट में हैं, अच्छे वेट्स, तो ये सारी डिटेल में बात करके बतलाऊंगा आप लोगों को। हर टाइप के मिल जाएंगे आप लोगों के इसके अंदर, बहुत बड़े सिंग वाले बकरे भी है, नॉर्मल भी, और सभी कुर्बानी के लायक है ये। तो ये सारी डिटेल हम देख के लेंगे यहाँ पर। बहुत बड़ा लॉट है, ये देखिए बहुत बड़े साइज में भी बकरे हैं। तो यहाँ के जो ओनर है उनसे मैं बात करूंगा और डिटेल लेंगे। ये एक फार्म है और इसकी भी सारी डिटेल मैं बात करूंगा अभी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। खैरियत से आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद मुजफ्फर शरीफ मदनी उर्फ अथर भाई बोलते हैं मेरे को। माशाल्लाह। तो मुजफ्फर भाई, आपका सबसे पहले फार्म कहाँ पर लोकेटेड है ये बतलाइए। ये फार्म उतरासपली विलेज शादनगर डिस्ट्रिक्ट में आता है, जो शादनगर बस स्टैंड से एग्जैक्टली हमारा फार्म 11 किलोमीटर रहेगा जी। ये गांव को उतरासपली बोलते हैं। और आपके पास कौन से ब्रीड्स है इसमें भी? देखिए हमारे पास इसमें तेलंगाना ब्रीड के है, और साथ ही साथ जो है इसमें माचरला की ब्रीड है। जो आप देख रहे हैं कि इसमें माचरला के जो बकरे हैं जी, वो ज्यादा क्वांटिटी में है। तो माचरला लेने का रीजन ये है कि माचरला की ब्रीड जो होती है वो बहुत ज्यादा अच्छी होती है। कंपैरेटिवली वेट वाइज अगर आप देख रहे हैं तो इनका वेट कंपैरेटिवली तेलंगाना के बकरों से बहुत अच्छा आता है। बिल्कुल। और अभी इसमें मिनिमम टू मैक्सिमम क्या वेट के बकरे होंगे? देखिए इसके अंदर मिनिमम अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर 12 किलो से शुरू है, तो आपको इसके अंदर 25 किलो तक का भी बकरा है आपको इसमें। तो आप देखेंगे जो सिंग वाले बकरे हैं जी, ये जो इधर का माशाल्लाह के ब्रीड के जो बकरे हैं, ये बकरे आपको कम से कम 16-18 किलो की रेंज के बकरे हैं जी। और आप जो बड़ी सिंगों के बकरे देख रहे हो, बकरे आपको 25 किलो तक आएंगे वो इंशाल्लाह। ये वाले जी जो झाड़ के नीचे है आप देखिए, और भी बहुत सारे है इस टाइप के यहाँ पर। ये जो ब्लैक देख रहे हैं आप, ये भी है। ये जो बकरा है आपके पास, इसके सिंग कम है, लेकिन क्या वेट होगा इसका? देखिए ये बकरा आ जाएगा आपको कम से कम 20 किलो तक आएगा आपको। ये जो है बकरा ओंगोल क्रॉसिंग का बकरा है, ये मीट में 20 किलो बतला रहे हैं। 20 किलो अगर लाइट वेट देखेंगे तो 40-45 किलो आएगा जी। बिल्कुल। और प्राइस रेंज क्या रखने वाले हैं आप? प्राइस रेंज इसके अंदर अगर आप लेंगे, जो छोटा बकरा है वो स्टार्ट होगा 9,500 से शुरू होकर इसके अंदर आपको ऑलमोस्ट 25,000 तक का भी बकरा है जी। 9,000 से स्टार्ट है और 25,000 तक है जी हाँ। जो आप छोटा बकरा देख रहे हैं, जो माचल्ला में भी जो छोटे बकरे हैं, कम से कम 10-11 किलो तक आएंगे आपको। बिल्कुल। आप देखिए बिल्कुल गोल बकरे हैं यहाँ पर, और सभी हेल्थी है, एक्टिव है, और बिल्कुल नेचुरल ग्रेजिंग के अंदर है यहाँ पर। फार्म में है जो होलसेल काम करना चाह रहे हैं स्पेशली माचल्ला के अंदर, या फिर अगर कोई तैयारी के लिए भी अगर बकरे लेना चाह रहे हैं, माचल्ला की स्पेशल ब्रीड तैयारी के लिए बहुत अच्छी होती है, बहुत हैवी वेट गेन होता है इसका, खूबसूरत भी बहुत रहते हैं। तो आप लोग उसके लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं मुजफ्फर भाई को, यहाँ पर टाइटल में नंबर है। ये जैसे बकरे हैं मुजफ्फर भाई, आपके पास और दूसरे लॉट्स भी मिलेंगे कंटिन्यू? जी हाँ, मेरे पास और एक जो है हमारा चिंतापटला बोल के एक इब्राहिमपट्टनम के आगे और एक हमारा जो है फार्म है वहाँ पे, तेलंगाना का आलेर का लाल बकरा है पूरा वहाँ। पूरा प्योर तेलंगाना का ही है, तेलंगाना रहेगा जी। हमारे पास जो ब्रीड अभी फिलवक मौजूद है वो तेलंगाना, और साथ ही साथ जो है माचरला ब्रीड ज्यादा है हमारे पास जी। माचरला प्रेफरेंस देने का रीजन ये है क्योंकि वो ब्रीड अच्छी होती है, घट बकरा होता है वो तो जी, कुर्बानी के लिए एकदम मुफीद है, समझिए आप। बिल्कुल। और ये सभी कुर्बानी के लायक, ये सभी कुर्बानी के लायक है। इसके अंदर आप जितने बकरे देख रहे हैं पूरे कुर्बानी के हैं, और कोई भी बकरा 1 साल के नीचे का कोई बकरा नहीं है इसके अंदर। अच्छा, ये मेंढे है देखिए आप, भेड़ है, लेकिन उसके बावजूद भी सभी 1 साल के आसपास के हैं पूरे बकरे, बल्कि कुछ 1 साल के ऊपर के भी हैं, और सब कुर्बानी के लायक है। सिंग वगैरह सबके अच्छे साइज़ में निकले हुए हैं, हैवी वेटेड है। आप देखिए बिल्कुल गोल बकरे हैं। और लाइव आइए आप लोग आगे से करिए, टोटल कितने बकरे हैं अभी ये? ये टोटल हमारे पास अभी फिलहाल यहाँ पे एक दो, ये 190 का लॉट है, ये हमारा 190 का लॉट है हमारा। इसे
अगर इसमें से किसी को 50-50 का भी लॉट चाहिए तो वो भी अरेंज कर देंगे। एक भी चाहिए तो देंगे हम उनको, यानी सिंगल पीस भी अगर चाहिए तो देंगे। अगर किसी को हैदराबाद में अगर ये अवेलेबल चाहिए यानी वहाँ पर डिलीवरी, तो वो कब मिलेंगे वहाँ पर? इतवार से आपको डिलीवरी देना शुरू कर देंगे हम लोग इंशाल्लाह। तो डायरेक्टली आपके पास अभी भी परचेस स्टार्ट? आप यहाँ पे फार्म पे आ सकते हैं, आप फैमिली के साथ आइए जी, आके देखिए, देख के आप जो है लेके जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है इस चीज का। बिल्कुल, बहुत प्यारा फार्म है और बहुत अच्छा सेटअप है यहाँ पर। आप देखिए बिल्कुल ग्रेजिंग भी अंदर भी होती है यहाँ पर, बाहर भी गेट से इसके सेपरेटली अलग अलग, और यहाँ पर बाग भी बना हुआ है झाड़ों का, कुछ पार्क का एक एरिया भी है, फार्म हाउस भी है, बहुत अच्छा सेटअप है। और ये सारे बकरे आप लोगों को नियरली संडे के आसपास करीब हैदराबाद में मिल जाएंगे, और 9000 से स्टार्ट है, मैक्सिमम लास्ट प्राइस 25000 तक है। इसका जो वेट है मीट का मिनिमम 10 kg के ऊपर का है, 10-12 kg का, और मैक्सिमम मीट वेट 25 तक है। तो लाइव आइए आप लोग, आगे चेक करिए यहाँ से, किसी को अगर लॉट के लिए चाहिए बकरे तो, या फिर आप सिंगल भी अगर लेना चाह रहे हैं तो लाइव आके चेक करके भी ले सकते हैं। माशाल्लाह का बहुत प्यारा कलेक्शन है यहाँ पर, जैसे आप छोटे छोटे लॉट्स देखे थे हैदराबाद में, मैं बताया आप लोगों को, आइए आके चेक करके देख के लीजिए। इसका क्या वेट होगा अभी? ये आपको आ जाएगा 20 kg आएगा ये आपको। मुजफ्फर भाई आपका फोन नंबर बतलाइए जी। मेरा फोन नंबर है 9390211217 एक नंबर है, दूसरा नंबर रहेगा 9848494761 एक नंबर रहेगा मेरा जी। ये टाइटल और डिस्क्रिप्शन में भी नंबर मिल जाएगा आप लोगों को, मैं वहां पर भी मेंशन कर दूंगा। तो सभी से रिक्वेस्ट यही है, लाइव आइए आके चेक करके देख के लीजिए। और अभी इस टाइम पे रेट्स ज़्यादा इंक्रीज होने का रीज़न क्या है मुजफ्फर भाई? क्योंकि आप फार्मर है, आप फार्म चला रहे हैं, इसीलिए ये रीज़न पूछना थोड़ा ज़रूरी भी है अभी। देखिए लास्ट टाइम जो बारिशें हुई उसमें क्या हुआ कि बकरा बहुत मार खा गया और बहुत सारी मोर्टैलिटी है बकरों में। ओके, जिसकी वजह से अगर आप देखा जाए तो तेलंगाना में और आसपास के एरिया, 100 किलोमीटर के एरिया में, 200 किलोमीटर के एरिया में बिल्कुल बकरा बहुत कम हो गया है, और जिसकी वजह से कॉस्ट मार्केट में ही कॉस्ट बहुत ज़्यादा है इसका जी। तो अभी जैसे लोग समझ रहे हैं बकरा बहुत ज़्यादा है गांव के अंदर और बहुत आने वाला है, लॉकडाउन में कहीं पर भी गया नहीं, ट्रांसपोर्ट एक्सपोर्ट वगैरह भी नहीं हुआ, तो या ये हकीकत है रेट आगे जाके कम होने वाला है या फिर इसी तरह का रेट रहेंगे? देखिए आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी का अगर आप मुतायला करें आप, तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप बकरे का गोश्त क्या रेट से ख़रीद रहे हो? आप कम से कम 700 रुपये किलो से ख़रीद रहे हो। बिल्कुल, वेराज अगर आप देखेंगे कि अगर आप बकरी का जो बकरा होता है तो कम से कम आपको 1000 रुपये किलो पड़ेगा, क्योंकि आपको आप सिर्फ 700 रुपये किलो तो गोश्त ले रहे हैं आप। बिल्कुल, आप बकरे का सामान है, बकरे का सामान कम से कम 700-800 रुपये किलो जाता है। बिल्कुल, और ये हिसाब से अगर आप मोटा मोटा कैलकुलेशन करेंगे तो आप बकरी का जो बकरा रहता है एन एवरेज आपको 1000 रुपये किलो पड़ेगा। हकीकत है बात, जो आपको गोश्त का रेट जो आएगा वो 1000 रुपये किलो पड़ेगा, एक चीज। दूसरी चीज क्या है, रेट बढ़ने का रीजन ये है कि मार्केट में लोगों का परसेप्शन है कि बकरा बहुत ज्यादा है, लेकिन बकरा उतना मार्केट में है नहीं कंपैरेटिवली। आप 2 साल पहले से अगर आप देखेंगे तो अभी उतना स्टॉक है नहीं जिसके पास भी देखें, क्योंकि बारिशों से बहुत बकरा मुतासिर हो गया है जी, लिमिटेड स्टॉक्स है, देखते हैं अल्लाह रज़ा के क्या होता है। बिल्कुल नहीं, लोगों की ऐसी सोच है जैसे नॉर्मली ये वेट केजी के हिसाब से चल रहा, अभी तो बकरा इतना ज़्यादा महंगा हो गया, तो नॉर्मली जब कुर्बानी रहती, मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूँ, कुर्बानी के टाइम पे हमेशा से हर जानवर नॉर्मल टाइम से महंगा रहता, और ये मार्केट रेट है तो इसीलिए रेट्स थोड़े से एक्सपेंसिव रहते ईद के टाइम पे। तो लाइव आइए आप लोग, आगे चेक करके देख लीजिए, कंपेयर करिए, कंपेयर करके भी ले सकते हैं आप लोग, ये ज़रूरी भी है। ये माशाल्लाह ब्रीड है और माशाल्लाह ब्रीड में जो रेट्स है ये मेरे हिसाब से कम है, आप लोग चेक करके देख लीजिए। शादनगर आपको जो फार्म है ये हैदराबाद से कितने किलोमीटर पर? देखिए आप हैदराबाद बस डिपो से अगर आप देखेंगे, आप सेंट्रल बस स्टैंड से देखेंगे तो एग्जैक्टली 71 किलोमीटर होगा ये। ओके, वैसे भी कोशिश है आपकी इंशाल्लाह संडे तक हैदराबाद में मिल जाएंगे, इंशाल्लाह हैदराबाद में संडे तक मिल जाएंगे। अगर उससे पहले अगर कोई देखना चाहे तो डायरेक्टली यहाँ आ सकते, डायरेक्टली यहाँ आ सकते हैं, उनके वो ऑलवेज वेलकम है यहाँ जी। तो आप लोग डायरेक्टली कॉल करिए, लाइव आप लोगों को लोकेशन भिजवा देंगे जो इंटरेस्टेड हो आने के लिए यहाँ पर। इसी तरह और बहुत सारे वीडियोस बताता रहूँगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।